नॉमिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ का नॉमिनेशन है ये? सर हमारी एमसीडी में जितनी भी यूनियनें चल रही हैं वो सब चुनाव लड़ेंगी, और चुनाव में जो भी यूनियन जीत पाएगी वो फिर कर्मचारियों की समस्याओं का सुधार करेगी। ये प्रक्रिया किस तरह होने वाला है, किस तरह से ये चुनाव होता है? चुनाव पहली बार दिल्ली में हो रहा है। हमारी यूनियन ने डिमांड की थी कि भाई यूनियनें ज़्यादा इकट्ठी हो रही हैं, अधिकारी काम नहीं कर पाते और हम लोग बटे हुए हैं, तो हम सब लोगों की यूनियन का चुनाव हो और एक झंडे के नीचे हम सब लोग मिलकर कर्मचारियों की समस्या का समाधान करें। आज क्या करने जा रहे थे? आज हम नॉमिनेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं और हमारे अधिकारियों से बात होगी। पहली यूनियन पहले सबसे पहले नॉमिनेशन हम ही लोग करेंगे। आगे किस तरह का रणनीति रहेगा आप लोगों का? अगर हमारे यूनियन जीत का आएगी तो फिर जितने भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उनके लिए लड़ेंगे और उनको उनको सम्मान दिलाएंगे और उनके जो अधिकार हैं उनके अधिकार उनको दिलाएंगे। सर यूनियन का नाम क्या है? ऑल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ। कितने सदस्य हैं आप लोगों को और क्या सब डिमांड आप लोग रखे हैं जो सफाई कर्मचारियों को? हमारे 8-10 हज़ार कर्मचारी हैं जो हमारे सदस्य हैं, और उसमें जो हमारे सबसे पहले तो आजकल हमारी वेतन की बड़ी समस्याएं चल रही हैं कि 3-3, 4-4 महीने का वेतन नहीं मिल रहा। हमारा एरियर जो होता है, जो सैलरी बकाया होता है, हमारे एरियर का पैसा है, हमारे को कैशलेस कार्ड, हमारा कर्मचारी गंदा काम करता हो बीमार रहता है तो ज़्यादातर बीमार होते हैं, उनको कैशलेस कार्ड की सुविधा मिल जाए अस्पतालों की तो हमारा आधा जीवन सुधर जाए। सर और भी काफ़ी यूनियन है यहाँ पर, यही सब डिमांड लेकर चलती है, कुछ अलग लेकर के आप लोग आए? अलग लेकर तो सर ये जब चुनाव हो जाएंगे तो फिर ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, कोई समाधान तो चाहे हम सारे लोग लड़ते रहें, जितने भी यूनियन है आज तक कभी भी किसी ने कोई समाधान नहीं कराया, और जो समाधान हुए थे पहले हमारे कर्मचारी को तेल साबुन मिलता था, वर्दी मिलती थी, ये सब चीज़ें जो पहले मिलती थी वो भी बंद हो गई हैं। हम दोबारा से इन सब चीज़ों को लागू करवा कर कर्मचारियों को